हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न अकेडमी। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटीज़ की अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स जो है कब तक स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, आप स्टूडेंट की मन में क्वेश्चंस हैं कि अब आपकी एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हो चुके हैं उच्च माध्यमिक की, ठीक है, अब आपकी सभी की कॉलेज की एडमिशन, यूनिवर्सिटी की एडमिशन कब से स्टार्ट होंगी। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में भर्ती होना चाहते हैं, कैलकटा की, या कैलकटा यूनिवर्सिटी हो गए, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गए, या वेस्ट बंगाल की किसी अन्य यूनिवर्सिटी हो गए, तो सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि एडमिशन के दौरान आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको लगने वाली हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है, एंट्रेंस होंगे या मेरिट होंगी, साथ ही साथ कॉलेज की फीसेज क्या रहेंगी, ठीक है, इसके बाद कट ऑफ क्या रहेंगी। ठीक है, तो सभी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा वालों के लिए मैं शेयर करने वाला हूं। तो जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट आप एंड तक देखिएगा। चैनल में नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि एडमिशन से रिलेटेड आपको सभी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप सभी की मन में क्वेश्चंस हैं कि अंडर ग्रेजुएट की जो एडमिशन है दोस्तों वो कब तक जो है स्टार्ट होती है। ठीक है, आप सभी की एग्ज़ाम सभी कंप्लीट हुई है। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद गाइज अब आप ज़रूर सोच रहे हैं कि आप कौन से कोर्स करेंगे। ठीक है, ये तो आप ज़रूर आप सोच लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको कोर्स परस्यू करना चाहिए। चाहे आप बी ए बी एस सी बी कॉम किसी भी डिपार्टमेंट से करना चाहते हो, या आप किसी भी मैनेजमेंट फील्ड हो गए, या एविएशन फील्ड हो गए, या टेक्निकल फील्ड हो गए, तो सभी कुछ जो है आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको साथ सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको एडमिशन्स के दौरान जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है लगती हैं। तो गाइज, जो एडमिशन्स के दौरान आप कुछ इन डॉक्यूमेंट्स को जो है आप रेडी रखिएगा। जैसे कि यहाँ आपकी आपके पहली में यहाँ पर्सनल डिटेल, जैसे कि आप सबका नेम, फ़ोन नंबर्स हो गए, फादर मदर नेम्स हो गए। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स आपकी कंप्लीट लगेंगी। इसके बाद गाइज 10 और 12 की मार्कशीट और एडमिट कार्ड, ये कंपलसरी हैं जो आप सभी की लगती ही हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन होगा कि 12th की मार्कशीट तो इतनी जल्दी सर नहीं मिलती हैं, तो कोई बात नहीं है, आप लोग जो ऑनलाइन निकालेंगे, चाहे आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के हों, या आप आईएससी बोर्ड के हों, या सीबीएसई बोर्ड के हों, तो आप जो है ऑनलाइन वाला जो है अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जब आपकी वेरिफिकेशन होते हैं तो उस टाइम जो है आपको फिर ओरिजिनल मार्कशीट जो है सबमिट करना पड़ता है। पासिंग सर्टिफिकेट भी जो है आप सबकी लगती हैं। ठीक है, जैसे कि 10 की और 12 की पासिंग सर्टिफिकेट लगती हैं। इसके बाद आपकी बर्थ सर्टिफिकेट लगती हैं गाइज। ठीक है, आधार कार्ड हो गए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ये आपकी लगने वाली हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हैं तो आप एससी एसटी ओबीसी के अंदर आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो आप कास्ट सर्टिफिकेट जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप यहाँ पर जनरल कैंडिडेट में ही ट्रीट होंगे। ठीक है, उसके बाद आप सभी की माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगती है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो वेस्ट बंगाल से हैं हमारे, उनका कोई भी, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, तो आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगेंगे। लेकिन जो बाहर वाले कैंडिडेट हैं, आप अगर बिहार से अप्लाई कर रहे हो, झारखंड से अप्लाई कर रहे हो, आसाम से अप्लाई कर रहे हो, या आप किसी भी अदर यूनिवर्सिटी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगती हैं। ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेते हैं, तो साथ साथ आप करेंट साइड फ़ोटो आप अभी से कॉपी करके रख लीजिएगा। इसके बाद एक वैलिड फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आप अपना खुद का, क्योंकि सभी डिटेल जो है आपकी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज हो गए आपकी मेल और फ़ोन नंबर में जो है गाइस देती हैं। ठीक है, देखिए अगला यहाँ पे एडमिशन्स प्रोसेस के बारे में बता दूँ। सबसे पहला आपके मन में कन्फ्यूजन से कि फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होंगी। देखिए, आप सबकी जो है मार्च 31st तक आप सभी की एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हो चुके हैं हमारे वेस्ट बंगाल के उच्च माध्यमिक की। मेनली वेस्ट बंगाल में जो है उच्च माध्यमिक की एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही जो है रिज़ल्ट आती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी अप्रैल और अप्रैल पूरा रहेंगी और मई की एंड तक अगर आपके रिज़ल्ट आ जाती हैं तो आप सबकी जो एडमिशन्स स्टार्ट होने की संभावना दोस्तों सेकेंड वीक ऑफ जून रह जाएंगी। ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ जून, अगर आपकी एंड ऑफ मई में अगर आ गई तो जून में जो है दोस्तों आप सभी की एडमिशन्स कन्फर्मली स्टार्ट हो जाएंगी। मान लीजिए अगर मई में रिज़ल्ट आप सभी की नहीं आती हैं तो फिर लगभग पकड़ के चलिए कि जून के एंड तक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक जो है आप सभी की एडमिशन्स जो है स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 4 सालों से जो है यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी को लेकर। ठीक है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस मैं खुद बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार जो सेशन है
कंप्लीट यहाँ पे सेशन वाइज चल रही है, क्योंकि आप सबकी अगस्त तक जो है आपको क्लासेस वगैरह जो है स्टार्ट कर देंगे यूनिवर्सिटी। तो जो है जून या जुलाई तक की आप सभी की जो है एडमिशन्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट के मन में ये है कि सलेक्शंस आप सभी की किस तरीक़े से होंगे। देखिए लास्ट ईयर भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के अंदर और अदर यूनिवर्सिटी जो भी हैं वेस्ट बंगाल में, तो सभी की यहाँ पर बोले गए थे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम लेकर जो है आप सभी की सलेक्शंस होने वाला है। लेकिन लास्ट ईयर भी क्या हुआ था दोस्तों, मेरिट बेस में ही जो है सलेक्शंस किया गया था, ठीक है। बट इस साल हो सकती है, अभी तक ऑफिशियली अपडेट ऐसा कुछ भी नहीं आए हैं, इसलिए मैं कन्फर्मली आप सभी को मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन इस साल हो सकता है कि आप सभी की मेरिट में ना लेकर आप सभी की एंट्रेंस एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम लेकर आप सभी के एडमिशन जो है होगा, उस बेसिस पे ही जो है आप सभी की मेरिट में सलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो अभी कंफर्म इस बात में नहीं है कि मेरिट बेस में होंगे या एंट्रेंस बेस में होंगे, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको हर एक अपडेट जो है आपको मैं टाइम टू टाइम देता रहूँगा। साथ ही साथ यहाँ पे कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो देखिए दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ कट ऑफ को लेकर अगर आप जादवपुर यूनिवर्सिटी, तो मेरे चैनल में ऑलरेडी कट ऑफ की जो वीडियो है वो बना हुआ है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है दोस्तों मैं लिंक दे दूंगा। 2020, 2021, 2022 तक कट ऑफ जो है मैं आप प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर बना दिया हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कॉलेज वाइज यहाँ पे यूनिवर्सिटी जैसे कट ऑफ को लेकर मैं बता रहा था आप सभी को। देखिए अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में एडमिशन लेंगे, चाहे आप बीए बीएससी बीकॉम के अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ही सारा कट ऑफ की जो वीडियो है लास्ट ईयर की 2021-22 की, आपको आइडिया लग जाएंगे कि कौन से कॉलेज की यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की कितनी कट ऑफ जो है जाती है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इस साल आपकी अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर हो जाएंगी, तो वो सब मेरिट लिस्ट जो है आपको देखना नहीं है, क्योंकि फिर आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप जितना एंट्रेंस में स्कोर करेंगे उस बेसिस में जो है आप सभी की सलेक्शंस होने वाला है, ठीक है। अगर मेरिट होती है तो मेरिट में आपकी सलेक्शंस होंगी, लेकिन अगर एंट्रेंस होती हैं तो आप सबके लिए अच्छी होंगी गाइस, क्योंकि आप लोग अपने मनचाहा कॉलेज जो है चूज़ कर सकेंगे। इससे मेरिट में क्या होती है, बहुत सारा यहाँ पे जो है डोनेशंस लेके, जिसका अच्छा मार्क्स होता है वो डोनेशंस एक्स्ट्रा चार्ज देके जो है एडमिशंस ले लेते हैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को अगर एंट्रेंस हो जाती है तो ये चीज़ जो है देखने को नहीं मिलेगा, जिनका जिसका अच्छा मार्क्स रहेगा एंट्रेंस में उसी स्टूडेंट को जो है आप सभी को एडमिशंस यहाँ पे, आप जिस कॉलेज को चाहेंगे उस कॉलेज में आपको मौका मिलने का चांसेस रहता है, ठीक है। इसके बाद फीस की बात करूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट की मन में फ़ीस होते हैं जो आउटसाइड ऑफ वेस्ट बंगाल के हैं। देखिए यहाँ पे आपकी कॉलेज वाइज वेरी करते हैं, 2000 से लेकर 20,000 तक जो है आपके सेमेस्टर फीस रहती हैं, ठीक है। अगर आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कुछ हाई फाई कॉलेजेस पे जाएंगे तो वहाँ आपको तीन साल तक आपको 2.5 से 2 लाख भी फीस देखने को मिलेंगी। अगर आप साधारण से एक नॉर्मल जो है कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो लगभग आपकी फ़ीस जो है 3 साल में आपको 20,000 के भी आसपास खर्च होंगी, ठीक है। तब कॉलेज के ऊपर वैरी करते हैं आप किस तरीक़े से कॉलेज जो है सेलेक्ट करते हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर मॉर्निंग इवनिंग साथ ही साथ डे शिफ्ट, यहाँ पे तीनों ही शिफ्ट चलती हैं, कोएड भी चलती हैं, बॉयज़ भी चलती हैं, गर्ल्स शिफ्ट भी चलती हैं। तो बस चैनल के साथ गाइस जुड़े रहिए, आपको हर एक अपडेट जो है मिलती रहेंगी, कौन सी कॉलेजेस कोलकाता में बेस्ट है कॉमर्स के लिए आर्ट्स के लिए, सभी वीडियो जो है मेरे चैनल में अपलोडेड है, तो जल्द से जल्द आप लोग जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मैं दे दिया हूँ, ठीक है। तो यही सब कुछ इन्फॉर्मेशन थे गाइस, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो कोई भी क्वेरी है आप सभी का तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आप सभी को रिप्लाई देने का। मिलते हैं ये वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।